Hi everybody, this is Dr. Priyanka, और today's video is very special क्योंकि again I am introducing to you all my new book that I have written specially for all the candidates. वो सभी कैंडिडेट्स जो यूजीसी नेट में अपियर होते हैं अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स, नॉट जस्ट फॉर एजुकेशन बट फॉर ऑल, बिकॉज ये जो बुक है वो है पेपर वन के ऊपर. पेपर वन जो कि मैंने अपनी रिसर्च में देखा है, जो भी हमारे पास रिजल्ट कार्ड्स रहे हैं अक्रॉस सो मेनी ईयर्स, कि पेपर वन के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर टू में अच्छा स्कोर करने के बाद भी जो है वो क्लियर नहीं कर पाते. तो Having studied all of this intricacies of all the entire syllabus, मैंने ये बुक लिखी है पेपर वन के ऊपर. बहुत ही जिसको कहते हैं अटेंशन के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, हर एक जो सिलेबस का कंपोनेंट है, हर यूनिट का, उसको डिटेल के अंदर इस बुक के अंदर मैंने लिखा है. और आपको कुछ थोड़ा इसको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. सबसे पहले एस चांद पब्लिकेशंस, जिन्होंने मेरी पहली ऑथर्ड बुक पेपर टू एजुकेशन की है उसको पब्लिश किया, उन्होंने ही इस बुक को पब्लिश किया है. एंड इट गोज विदाउट सेइंग दैट ये जो पब्लिकेशन हाउस है, नॉट बीइंग इंडियाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बट यू नो इंडियाज नंबर वन कॉम्पिटिटिव हाउस पब्लिकेशन है. जो यूपीएससी की बुक्स, बैंक पीओ की बुक्स हो गया, आपके डिफरेंट डिफरेंट एसएसबी के एग्जाम्स हो गए, एनडीए के एग्जाम्स हो गए, सो ऑल द टॉप मोस्ट कॉम्पिटिटिव एंड एकेडमिक बुक्स, जितने भी इंडिया के कॉम्पिटिशन होते हैं नेशनल के, उसमें एस चांद यू नो दे सिलेक्ट द बेस्ट मटेरियल. तो एस चांद पब्लिकेशन द्वारा ही पब्लिश्ड बुक है और अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है. एस चांद की वेबसाइट पे भी अवेलेबल जो है वो हो जाएगी टुमोरो, यानी आप ये मान के चलिए या 20, 22 या फिर 23 सितंबर से ये बुक जो है, लिस्ट तो ऑलरेडी हो चुकी है, मैं लिंक आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी, आपको लिंक मिल जाएगा. और कुछ आपको डिटेल बता देती हूँ बुक के बारे में. सबसे पहले तो हमने कंटेंट पूरा का पूरा कवर किया है, लाइक आई हैव रिटन ईच एंड एवरी यूनिट्स, एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल एंड इन वेरी सिंपल लैंग्वेज. ये देख देख के कि कौन कौन सा ट्रेंड चल रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर सेट हो रहे हैं, वो सभी वाइड कवरेज जो है इसके अंदर की गई है. और एक एक कॉन्सेप्ट जो सिलेबस में लिखा है उसके ऊपर डिटेल्ड आपको मटेरियल जो है वो मिलेगा. 3500+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिलेंगे. 2018 से लेके 2023 तक के पेपर्स भी आपको इस बुक के अंदर जो है वो मिलेंगे. उन्हीं में से जो क्वेश्चंस है वो लिए गए हैं और यूनिट वाइज उनको टैग किया गया है. इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, जो एक वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जो इस बुक को बाकी सभी बुक से बहुत अलग बनाती है, वो ये है कि आपको एडिशनल कंटेंट भी मैं दे रही हूँ. ना ही सिर्फ जो बुक आपके पास आएगी 720 पेजेस की किताब है वो तो आपको मिलेगी ही, लेकिन ये जो आप क्यूआर कोड देख रहे हो ना, इसको जब आप स्कैन करोगे तो आपको 800+ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सॉल्व करने को मिलेंगे. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसके साथ साथ रिसर्च की यूनिट में आपको एक्स्ट्रा कंटेंट जो है, एडिशनल कंटेंट आप यू नो हमारी ऐप के ऊपर, एस चांद की ऐप है टेस्ट कोच करके, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो आईओएस से, प्ले स्टोर से भी, एंड आप जो है अटेम्प्ट कर पाओगे ना ही सिर्फ 800 क्वेश्चंस, बट आपको एक्स्ट्रा एडिशनल कंटेंट मिलेगा रिसर्च की यूनिट पे. और आपको यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10 हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा एडिशनल कंटेंट भी ऐप के ऊपर मिलेगा. एंड फैक्ट चेक्स, जैसे कि हमने पेपर टू एजुकेशन की बुक में भी डाला था, एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ नॉलेज एंड ऑल द लेटेस्ट यू नो टॉपिक्स विच आर कमिंग इन योर एग्जाम, जो ट्रेंड में आ रहे हैं वो डाले गए हैं. और ये देखने में आया है कि जो पेपर वन का जो एग्जाम होता है वो देखिए 2-3 पन्ने का तो होता है सिलेबस उसका, और ये अगर आप पेपर टू देखते हो सभी सिलेबस का, तो वो तो 6-6, 7-7 पेजेस में सिलेबस होता है. तो पेपर वन का जो यू नो इंटायर कॉन्सेप्ट है वो सीसैट, जो यूपीएससी का जो मेन पेपर होता है, मेन इन द सेंस जो कॉमन पेपर होता है प्रीलिम्स में, उससे काफी मिलता जुलता है. कि टॉपिक्स तो लिमिटेड है लेकिन उनकी जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा वाइड होती है. सो स्पेशली यू नो दिस बुक, जब ये मैंने किताब लिखी तो ये पूरा का पूरा रिसर्च करके ही आई स्टार्टेड राइटिंग ऑल द यूनिट्स.
एंड अब मैं आपको कुछ और इसके अलग से फीचर्स बताती हूँ। देखो, आपको ऐप पे मटेरियल मिल रहा है, आपको किताब में मटेरियल मिल रहा है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, 3500 प्लस क्वेश्चंस। साथ ही में जो आपको मैं बोलती हूँ कि वो दो यूनिट्स जो एक्चुअली में आपकी नैया आराम से पार करा सकते हैं, वो है मैथमेटिकल रीजनिंग यूनिट 5 और यूनिट 7। स्टूडेंट्स, इन दिस बुक आपको एक एक सम और एक एक कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस, जैसे आपने रिसर्च और स्टैट्स वाला देखा था ना यूनिट पेपर 2 में, तो उसी प्रकार से कॉन्सेप्ट, जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं यूनिट 5 में और यूनिट 7 में, उसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। जितने भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लास्ट में प्रोवाइड करूंगी, उसका स्टेप वाइज हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन का, मैथमेटिकल रीजनिंग का। और बताती हूँ, बुक के अलावा भी आपको क्वेश्चंस इन सब यूनिट्स के और अगेन एक एक स्टेप का सॉल्यूशन आपको ऐप के ऊपर भी मिलेगा। और यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो आपको ऐप पे मिलेंगे। तो मैथमेटिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के ऑल क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आपको सॉल्यूशन, स्टेप वाइज सॉल्यूशन तो बुक में मिल रहा है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन आपको ऐप पे मिल रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग का सारे कॉन्सेप्ट और सभी क्वेश्चंस आपको बुक में मिल रहे हैं, और वो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन जानना चाहते हैं वो इनको ऐप पे ढूंढ पाएंगे। एक एक क्वेश्चन का आपको जो सॉल्यूशन है वो ऐप पे मिल पाएगा। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स दैट मैंने आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट, टू प्रोवाइड यू ऑल द बेस्ट। और इसके साथ साथ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, वो भी आई एम प्रोवाइडिंग यू। एट द सेम टाइम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, एनईपी 2020, जिसका डॉक्यूमेंट एजुकेशन में भी था, एनईपी 2020 का डॉक्यूमेंट भी आपको ऐप के ऊपर मिलेगा, उससे रिलेटेड मॉक भी आपको जो है ऐप पे मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि कितनी यूनिक बुक ये है, अपने आप में होने वाली है। और सभी के सभी, दिस इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो आपके सर्कल के अंदर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जितने भी 83 सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बोलो दैट दे शुड टेक दिस बुक। अवेलेबल हो जाएगी अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर, एंड दे विल सी फॉर देमसेल्व्स कि कैसे टाइम्स के साथ, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि हमने ब्लेंडेड अप्रोच के साथ, हम ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, ये पूरी की पूरी जो बुक है ये ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग के ऊपर फोकस्ड है। तो अपने आप के अंदर देखिए, आई हैव डन माई बेस्ट बिलीविंग दैट इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हु आर अपियरिंग इन यूजीसी नेट एग्जाम। तो आपको इस बुक को जो है यू विल बी एबल टू बाय, नॉट जस्ट बाय बट आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी रिलेटिव्स आप जानते हो, जो भी फ्रेंड्स है अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स, बिकॉज पेपर 1 इज कॉमन, सजेस्ट देम दिस बुक, शेयर द लिंक विद देम, एंड या मेक दिस बुक अ सक्सेस, एंड ओनली देन आई विल फील सैटिस्फाइड। तो दैट इज ऑल अबाउट इट स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड आई होप आपको बुक पसंद आएगी। जैसे ही अवेलेबल होगी मैं आपको, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। बट या, दिस वॉज अ लिटिल डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द बुक। टेक केयर, ब्लेस यू, सी यू इन अनदर वीडियो वेरी वेरी सून।